नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जेनरॉन टेक। और मेरे पास है क्लॉक का आर्ट टेक, एक कूलिंग पैड। वैसे अगर आपका जो लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा हीट करता है गेमिंग परफॉर्मेंस के टाइम पर, और आप चाहते हैं एक ऐसा कूलिंग पैड बाय करना जो आपके लैपटॉप को एकदम सही टेम्परेचर पर रखे, ठंडा रखे, तो इसे खरीद सकते हैं। QR कोड दिया है वारंटी के लिए, तो वारंटी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। RGB LED लाइट्स मिलती हैं इसके अंदर, और देखते हैं क्या क्या खासियत है। साथ में वी हैव अ USB केबल। USB केबल की डिज़ाइन बहुत ही रगेड है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगी, टूटने या फटने का या वायर ख़राब होने का झंझट नहीं है। बढ़िया क्वालिटी। और हम अंदर एक यूज़र मैनुअल भी है, उसे भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्लॉक का आर्टेक का यूज़र मैनुअल। कैसे सेटअप करना है वैसे बहुत ईजी है, अभी आप देख ही लेंगे कैसे इसको सेटअप करना होता है। बस USB प्लग करना है और आप तैयार है। अब इसमें मिलते हैं 4 फैन, हाई क्वालिटी ड्यूरेबल फैंस मिलती हैं, जो स्पीड बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मिलती है, ठंडक का एहसास इसे थोड़ी देर में देखेंगे। ऊपर की तरफ वी हैव 2 USB पोर्ट्स जहाँ पे पावर दे सकती हैं, 2 नॉब दिया है जहाँ पे आप पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 है, यानी कि 2-2 पंखे के हिसाब से डिवाइड किया गया। और एक बटन है जहाँ पे LED लाइट को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो LED लाइट के पैटर्न भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है, इसे कनेक्ट किया है लैपटॉप से ही केबल के थ्रू। और ऊपर की तरफ आपको जो नॉब है वो आपको देखने मिलते हैं, LED लाइट की वजह से बहुत ही सही नज़र आता है। वैसे गेमिंग कूलिंग पैड है। सारे फैंस देखिए सब बंद हो गए हैं, अब मैं ऑन करता हूँ। तो पहले नॉब पे 2 पंखे जो है ऊपर के ऑन होंगे, दूसरे नॉब पे नीचे के 2 पंखे ऑन होंगे, और उनके अंदर भी LED लाइट दी जाती है, और ठंडक की हवा अच्छी आ रही है, बढ़िया। और LED लाइट जो है वो आपको दी गई है। अब यहाँ पे जो LED लाइट है ऊपर की तरफ पूरा रोटेशन में आपको दी जाती है, विच इज़ अ RGB LED लाइट। इसी के साथ इसको कंट्रोल कर सकती हैं, बटन दबाएंगे तो डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो आप देख सकते हैं। वैसे और भी मल्टीपल कलर्स इसके अंदर दिए जाते हैं। मेरे को तो वही वाला फंकी फेवरेट लगा है जो झकमक झकमक हो रहा है दिवाली की लाइटों की तरह, तो बहुत ही सही है। अब इस पे लैपटॉप ज़रा बैठता है कि नहीं वो भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टैंड को ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज़ डन। नीचे की तरफ भी हमारे पास 2 हुक्स दिए हैं ताकि लैपटॉप नीचे की तरफ स्लिप ना हो, तो हुक्स मैंने खोल लिए हैं। अब लैपटॉप को ज़रा रखते हैं ऊपर, और ये बढ़िया साइज बैठ गई है। तो लगभग आपका लैपटॉप 15.5 इंच का, 16 इंच का भी है, तो ये आसानी से आपके लैपटॉप के लिए बनाया गया है। अब इस कूलिंग पैड की मदद से आप गेमिंग परफॉर्मेंस की जो है वो आपकी एनहेंस हो जाएगी, बिकॉज लैपटॉप जब गर्म होता है तो परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होती है, बट इसके साथ परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं होगी। आप अगर एडिटिंग भी करती हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक कूलिंग पैड ज़रूर रखिएगा। RGB होने की वजह से गेमिंग लैपटॉप है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया सेटअप हो जाता है। टोटल बॉडी जो है प्लास्टिक की बनाई गई है, और ऊपर जो शीट है वो आपको मेटल की जो है देखने मिलती है। बहुत ही सही चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। खरीदना है तो ज़रूर खरीदिए, परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लगभग 1900-2000 के आसपास इसे आप खरीद सकते हैं। क्लॉक का ब्रांड है, अच्छा नामी ब्रांड है जो बढ़िया चीज़ें बनाता है। इनके माउस और भी चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल है कंप्यूटर्स पेरिफेरल्स में। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।